अली ने अपने शोहर को मर्डर करवा दिया। काफ़ी दहशत फैली हुई थी जहाँ जहाँ एरिया में हुए थे। ये पहले चोरी टेलीफोन करना था, फिर सामने आके मैं क्या कि मेरी पैनू ना मारा करें, फिर तेन बहुत ज़्यादा मारिया। ये मुलजम ऑलरेडी 98 में एक पहले भी मर्डर कर चुका है। कत्ल की वारदातों में मुलव्वस बेरहम जराइम पेशा अफराद एक घर के कई अफराद का मुस्तकबिल और खुशियां तबाह करने के बाद फरार होते होते ये समझते हैं कि कानून के हाथ अब उनकी गर्दन तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन पुलिस अपने पेशे से ईमानदार हो तो तवील अरसे के बाद भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते, इसलिए कि जुर्म की हर वारदात को छुपाया जा सकता है मगर कत्ल की वारदात में ऐसा मुमकिन नहीं होता। कातिल ने 20 साल तक रूपोश रहने के बाद यह समझ लिया था कि अब उसे कोई भी पहचान नहीं सकता। उसके हाथों होने वाले खून के धब्बे भी अब तो धुल चुके होंगे और बहुत सारे लोग उसका हुलिया भी भूल चुके होंगे, मगर जुर्म करने वाला चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो और भेस बदल कर कहीं भी जाकर रहने लगे, बाज दफा अपने पीछे ऐसे शवाहिद जरूर छोड़ जाता है जो कई बरस गुजरने के बाद भी उसे कानून के आहनी शिकंजे में जकड़ ही देते हैं। लाहौर की पुलिस ने 20 साल कबल एक शख्स को मौत के घाट उतारने वाले मुलजिम को पकड़ ही लिया, मगर इस दौरान उसने एक और संगीन जुर्म भी किया। आखिर वो जुर्म क्या था, आइए हम आपको बताते हैं। शादरा के इलाके में 20 साल कबल एक शख्स इशफाक ने अपनी बीवी से ज्यादती की कोशिश करने वाले महल्लेदार नौजवान शफीक को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था और वो तब से मफरूर था और इस मुकदमे में इश्तिहारी था। CIA सिविल लाइन्स पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। इसमें SSP हमारे इन्वेस्टिगेशन मेकन साहब ने और SP साहब CIA हमारे जो है उन्होंने हमें लातदाद दफ़ा ये जो ब्लाइंड मर्डर हो जाते हैं इसमें वर्किंग के लिए हदायत जारी करते रहते हैं। मैंने जो है टेक्निकल तरीके से जो है वहाँ पे काम किया, तो काम कर जब किया तो मुझे कुछ वहाँ से चीज़ें मिली जिसको मैंने फिर टेक्निकल तरीके से ट्रेस करके तो मुलजम को पकड़ा। जब मुलजम को पकड़ा तो पता चला कि ये मुलजम ऑलरेडी 98 में एक पहले भी मर्डर कर चुका है, तो वो मर्डर इसने इलाका थाना शादरा के इलाके में किया था। तो जब हमने चेक किया जाके शादरा में तो उसमें भी ऑलरेडी ये PO है, उसमें भी ये इश्तहारी मुलजम है और इसका एक और मर्डर भी ट्रेस हो गया। मुलजम ने 20 साल इश्तहारी रहने के दौरान एक और संगीन जुर्म भी किया था। जब उस जुर्म से पर्दा उठा तो सब हैरान रह गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम ने चंद साल कबल बागबानपुरा के इलाके में अपनी बहन यास्मीन के साथ मिलकर उसके शोहर शबीर हुसैन को भी फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि यास्मीन का शोहर उसके साथ मारपीट करता था, जिस पर यास्मीन के कहने पर इशफाक ने उसे कत्ल कर दिया था। पहला मुकदमा जो है वो 26/12/17 को इलाका थाना गुजरपुरा के इलाके में जो सिविल एंड डिवीजन का पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक आदमी का ब्लाइंड मर्डर हो गया और उस मर्डर के सिलसिले में काफ़ी वहाँ पे शोरगुल भी हुआ कि कोई पता नहीं चल रहा था कि वहाँ पे किस तरह मर्डर हुआ है और किसने किया है। तो ये लोकल पुलिस भी इसको इस चीज़ को इंटरोगेट कर रही थी, देख भी रही थी, लेकिन ये कोई 20-25 दिन तो इसकी समझ नहीं आ रही थी कि ये मर्डर किसने किया है। काफ़ी एजिटेशन भी हुआ इस सिलसिले में। तो ये दो मर्डर तो जो हैं ये एक ही मुलजम के इशफाक उर्फ बिल्ला के ने किए हैं, ये दोनों ब्लाइंड मर्डर थे, दोनों हमने ट्रेस किए। जुर्म के बाद अगर मुजरिम गिरफ्तार हो जाए तो अपनी जान छुड़ाने के लिए कई बहाने तराशता है। देखते हैं ये मुलजम अपने जुर्म के बारे में क्या कहता है।
मुलजम इशफाक का कहना है कि पहला कत्ल उसने इंतकामन किया था, जबकि दूसरा कत्ल अपनी बहन के कहने पर किया था क्योंकि उसका शोहर उसे तशद्दुद का निशाना बनाता था। मुलजम का कहना है कि उसे दो अफराद के कत्ल पर अफसोस है। आधी रात उठ के उन्हें कुछ बेगैरती दी हरकत की थी, बस गाली गलौज शुरू हुई, उसकी वजह तो फिर एक काम नहीं किया तो मार देता। जी सर। अच्छा, उस तो बाद फिर दोबारा फिर फरार हो गया तू? जी सर, उस तो बाद मैं पेशावर चला गया। किसी ने रास्ता नहीं थी तेरा? नहीं जी, किसी ने नहीं। तू आज तक नहीं पड़ी चढ़? नहीं सर। हा? नहीं जी। तू 18 साल इश्तिहारी नहीं है? जी सर। अच्छा, उस तो बाद हुन फिर की होया दोबारा? फिर 17 दे विच दिसंबर च की कीता है? ये तकरीबन एक साल से मैं टेलीफोन कर रहा था कि मेरी भैन ना मारिया कर, और ये मैं कभी कुछ जवाब देता सी, कभी कुछ जवाब देता सी। आखिर मैं फिर पहले चोरी टेलीफोन करना था, फिर सामने आके मैं क्या कि मेरी भैन ना मारिया कर, इन्हें उस दिन उन्हें बहुत ज़्यादा मारिया। खैर सही मुकम्मल डर नहीं सी, मैं पूछ पुछा के पहुँच गया अजे तक। बस ये काम फिर 26 दिसंबर मैं किया। 4 जी। CIA की टीम ने शादरा टाउन के इलाके में 3 साल कबल कत्ल होने वाले आजम के अंधे कत्ल का सुराग भी लगा लिया है। आजम को उसकी बीवी शमशान ने अपने दोस्त यासीन के साथ मिलकर रास्ते से हटाने के लिए कत्ल किया था। आजम नामी आदमी था जिसकी बीवी जो शमसा है, बीवी ने अपने शोहर को मर्डर करवा दिया और करने वाले ने उसके साथ बड़ी ज्यादती की। इसमें काफी दहशत फैली हुई थी जहाँ जहाँ एरिया में हुए थे ये, तो इनके जब मुलजमान हमने ट्रेस करके पकड़ लिए, इनसे असला भी रिकवर कर लिया है और सारी हकायक सामने आ गए हैं, तो ये इनको अब हम इंशाल्लाह प्रोसेस करके कोर्ट के पेश करेंगे और इनको हम कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। मैं ऐसे मेरे नाल मेरा कज़न है ठीक है, तो ऐसे दोनों ने मैं जाकर रोक पिस्तौल नाल ते देखो खंजर से, फिर उस तो बाद ऐसे वार किए ने बंदे मार गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जल्दी मुकदमात का चलान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिश रजा, समा, लाहौर। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहे। ये हमारे लिए एक वारदात जो है बहुत बड़ा चैलेंज थी, इसमें हमने दो और SHOs जो एडजॉइनिंग एरियाज़ के थे, सदर पिंडी, भटिया, जलालपुर, इनको भी बीच में इन्वॉल्व किया। मैं दोस्तों से बोला वो उधर पैसे बहुत होते हैं, गाड़ी से शीशा तोड़ के थैला निकाला है। तीनों आपस में इनका कॉम्बिनेशन लाहौर में हुआ, लाहौर में इन्होंने गैंग बनाया, वहाँ पर रिक्शा चलाते थे। हमारे लिए एक वारदात जो है बहुत बड़ा चैलेंज थी, इसमें हमने दो और SHOs जो एडजॉइनिंग एरियाज़ के थे, सदर पिंडी, भटिया, जलालपुर, इनको भी बीच में इन्वॉल्व किया। मैं दोस्तों से बोला उधर पैसे बहुत होते हैं, गाड़ी से शीशा तोड़ के थैला निकाला है। तीनों आपस में इनका कॉम्बिनेशन लाहौर में हुआ, लाहौर में इन्होंने गैंग बनाया, वहाँ पर रिक्शा चलाते थे। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। डकैतियों में मुलविस कई गिरोहों को पुलिस गिरफ्तार तो करती है, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ये जेलों से रिहा होकर बाहर आ जाते हैं और पहले से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज इख्तियार कर लेते हैं। एक गिरोह ने डकैती की वारदात के दौरान एक शख्स को जख्मी कर दिया। ये गिरोह पहले भी कई मर्तबा जेल जा चुका है, मगर आसानी के साथ दोबारा बाहर आ जाता है। आखिर क्यों? आइए हम आपको बताते हैं। सुखे कीमे डकैती की वारदातें करने वाला ये गिरोह 3 अरकान पर मुश्तमिल है। फयाज, जावेद, शबीर इससे कबल कई वारदातें कर चुके हैं और कत्ल, इकदामे कत्ल, राजनी और डकैती की कई वारदातों में भी मुलविस हैं। 28 नवंबर 2017 को ये तकरीबन रात को 7-8 बजे के करीब हमें इतला मिली कि ये शेख ट्रेडर्स हैं, खाद का बिजनेस करते हैं, दो भाई हैं शाहिद और शहबाज,
ये अपने पूरे दिन की जो है वो जो भी इनकी कमाई थी उसको और अपने खातों को लेकर तो दुकान से जाने लगे थे। इसमें इन्होंने खाते और जो कैश था वो गाड़ी में रखा और अपनी दुकान को जो है वो समेट रहे थे और बंद कर रहे थे, जिसके बाद इन्होंने उसको लेकर निकलना था। ग्रोह के अरकान फयाज जावेद और शब्बीर लाहौर में रिक्शा चलाते थे, फिर उनके एक दोस्त ने उनको इस काम पर लगा दिया। सुखे की में की जाने वाली वारदात के लिए ये तीनों असला भी लाहौर से लाए थे। इनमें से एक मोहम्मद फयाज नामी है जो सुखे की मंडी का रहायशी है, ये भी लाहौर में रिक्शा चलाता था, और एक मोहम्मद शब्बीर और मोहम्मद जावेद कोट अब्दुल मालिक के रहने वाले हैं। ये बाकी दो मुलजमान ये तीनों इकट्ठे लाहौर में आप रिक्शा चलाते थे, जिनकी आपस में उधर ही कोई बातचीत हुई, और मोहम्मद फयाज जो है ये सुखे की मंडी का रहायशी था। इसने यहाँ शबाज ट्रेडर खाद की दुकान है यहाँ पे सुखे की मंडी में, इसने वहाँ की रैकी की और ये तीनों इधर ही इकट्ठे हुए। शेख शहबाज की सुखे की लाहौर रोड पर खाद की दुकान है और वो शाम को दुकान बंद करता है। दिन की कमाई और खाता वो शाम को अपने घर ही ले जाता था। मुलजमान ने उसकी रैकी कर रखी थी, फिर एक दिन उसको गाड़ी में बैठते साथ ही उन्होंने पकड़ लिया। वारदात जो मोहम्मद फयाज है वो सुखे की मंडी का रहायशी है, उसने देखा कि ये दुकान काफी चलती है तो वो सामने होटल पे बैठ के साथ वाली दुकान पे बैठ के रिहायशी भी इधर का ही था, उससे उस पर किसी को शक भी नहीं हुआ। उसने यहाँ की रैकी की कि किस वक्त वो आते हैं और किस वक्त पैसे सामान खाते वगैरह लेके घर जाते हैं। उसने रैकी की, फिर उसने अपने साथियों शब्बीर और जावेद को कॉल की जो कि कोट अब्दुल मालिक से 125 मोटरसाइकिल पर आए, और इधर आके उसने रैकी की। रैकी करके फिर उन्होंने ये वारदात की। तीन नामालूम जो है डकैत वो आए मोटरसाइकिल के ऊपर और उन्होंने आकर ये टारगेटेड एक कार्रवाई थी जिसमें उनको पता था कि इस गाड़ी में ही कैश है और खाते पड़े हैं। उन्होंने उसका शीशा तोड़ा, शीशा तोड़ के वो कैश निकाल रहे थे, तो जिसके ऊपर इन भाइयों दोनों को शहबाज और शाहिद को आवाज़ आई, जिस पर इन्होंने रिस्पॉन्ड किया और डकैतों के साथ इनकी मज़ामत हो गई, और मज़ामत के दौरान जो शहबाज है उसको फायर भी लग गया। डकैत माल और खाते लेकर निकल गए। ये एक इंतहाई जो है वो अफसोसनाक वाक़या था, और इससे ताजरों में भी दहशत फैल गई कि ये अगर हमारा माल उसबाब यहाँ पर महफूज नहीं है तो ये कैसे यहाँ पे बिजनेस करेंगे। ये हमारे लिए एक वारदात जो है बहुत बड़ा चैलेंज थी। इसका FIR हमने रजिस्टर की, और रजिस्टर करने के बाद हमने जो है इसको शब और रोज़ इस पर मेहनत शुरू कर दी। टीम्स तश्कील दी गई, DSP पिंडी भटिया अख्तर और SHO सुखे की। इसमें हमने दो और SHO जो एडजॉइनिंग एरियाज़ के थे, सदर पिंडी भटिया जलालपुर, इनको भी बीच में इन्वॉल्व किया, और ये हमने एक स्ट्रेटजी बना के तीनों SHOs के साथ और DSP पिंडी भटिया अख्तर की सरबराही में ये काम शुरू किया। और इसमें हमने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हमने जो हम करते हैं मोबाइल डाटा रिकॉर्ड्स वगैरह वो इकट्ठे करते हैं, उसके बाद स्केचेस बनवाए गए, जो पिछले रिकॉर्ड याफ्ता थे मुलजमान उनको शामिल तफ्तीश किया गया, और तकरीबन एक माह की मेहनत के बाद ये हम जो है एक इनमें से जो तीन डकैतों में से एक डकैत तक पहुँचने में कामयाब हो गए। रैकी के दौरान मुजाहमत हुई और एक ताजर को जख्मी कर दिया गया। जब गिरोह को गिरफ्तार किया गया तो उससे क्या मजीद बरामद हुआ, आइए जानते हैं। डकैती की वारदात के दौरान शेख शहबाज ने मुजाहमत की, जिस पर डाकुओं ने उसे जख्मी भी कर दिया और रकम लूटकर फरार हो गए। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने तीनों मुलजमान को मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार कर लिया और उनसे लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली। हमने सबसे पहले मुलजम फयाज को ट्रेस किया। मुलजम फयाज यहाँ से फरार होकर जड़ावाला चला गया था। हमने जड़ावाला से भी उसका पता किया। कुछ पता ना लगने के बावजूद हमने उसके मोबाइल की लोकेशन हासिल की। लोकेशन हासिल करके फिर हमने पहले फयाज को गिरफ्तार किया, जो सामने होटल पे लड़का बैठा था शब्बीर कोट अब्दुल मालिक कराया। ये तीनों आपस में इनका कॉम्बिनेशन लाहौर में हुआ, लाहौर में इन्होंने गैंग बनाया, वहाँ पर रिक्शा चलाते थे, तो इधर आके उसने फिर फयाज को हमने फयाज के बाद हमने शब्बीर को गिरफ्तार किया। शब्बीर जब गिरफ्तार हुआ तो दोनों इकट्ठे हुए तो उन्होंने बताया कि हमने इस दुकान फयाज ने इस दुकान की रैकी की है, कब आते हैं और कब जाते हैं। फिर उन्होंने जब मज़ामत की मोहम्मद शहबाज ने तो उस पर शब्बीर और फयाज ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में ताजर जख्मी हो गया। ये एक नामालूम अनट्रेस सी वारदात थी जिसमें हमने तीनों मुलजमान गिरफ्तार किया और मुकम्मल रिकवरी की।
ये इधर मैं आता था तो उधर देखता था वो थैला लेकर गाड़ी में जाते हैं, तो मैं देखता था इधर, तो मैं दोस्तों से बोला उधर पैसे बहुत होते हैं तो इसलिए इनको लेकर आ गया इधर, फिर इनकी वारदात की हमने। जब उन्होंने दुकान बंद की है तो मैंने इनको फ़ोन किया है, आ जाओ, दुकान बंद की है हमने, वो गाड़ी से शीशा तोड़ के थैला निकाला है तो फैर किए हैं, तो उनको फैर लगा, हम चले गए। ये जब आइडेंटिफाई हुए तो पता चला ये तीन हैं, ये शबीर था और फयाज और जावेद, तीन डकैत थे, इनका पिछला भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था। पहले एक को गिरफ्तार किया और फिर हमने होते होते सब तमाम जो है मुलजमान को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद फिर ये तकरीबन 573,000 रुपया जो था वो इनका गया हुआ था, और वो हमने मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिकवरी की और इनको अरेस्ट किया और अपना जो है वो मुकम्मल जो हमने एतमाद जो था ताजरों का वो बहाल किया, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में जो है वो इसकी तारीफ की जा रही है और ये मुलजमान जो है अब अपने कैफरे किरदार को पहुँचेंगे। दूसरों के घरों को उजाड़ कर अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले अक्सर जेल में ही जिंदगी गुजारते हैं। अगर ऐसे लोगों को सख्त सजाओं का अमल शुरू कर दिया जाए तो ऐसे वाकयात से आम लोगों को बचाया जा सकता है। साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा पिंडी भटिया। मामूली जराइम में गिरफ्तार होने वाले जराइम पेशा अफराद जब बगैर किसी सजा के आसानी से रिहा होंगे तो उससे शहरियों को मजीद जराइम का सामना करना पड़ेगा, जिसकी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राबता करना चाहते हैं तो हमारा पता है csatsama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं और हमसे राबता भी कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।